क्लास 10th में आज बात कर लेते हैं 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। जो अच्छे क्वेश्चन है 15.1 में, 5 तक आप कर चुके होंगे, 6 और 7 थोड़े से डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ हमारे जो चैप्टर 15.1 है वो फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एक सर्कल दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है, यानी कि वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो हम यहां लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल किसके है, पैरामीटर के। आप लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। लिख देता हूं मैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और इसके पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 into a। a की जगह आप साइड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर, तो हमें जो सर्कल दे रखा है उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि फाइंड करना है सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। और आपको पता है सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास आर नहीं है, हम कैसे ना कैसे करके आर को फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 484। तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कह सकते हो, चाहे साइड स्क्वायर कह सकते हो, हिंदी में भुजा स्क्वायर। तो एरिया लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया दे रखा है 484 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाता हूं तो इस पे आएगा आपका अंडर रूट, और 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप अच्छे से जानते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है 22 सेंटीमीटर। आपका स्क्वायर रूट आ गया 22। जब स्क्वायर की साइड है वो 22, यानी कि साइड आ गई 22, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 into 22 is equal to 88 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर का पैरामीटर 88 आ गया तो सर्कमफेरेंस है वो भी कितना होगा, 88, यानी कि 2πr इक्वल किसके हो गया, 88 के। तो जैसा कि आपने पहले क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस किए होंगे कि जब हमें पैरामीटर पता होता है, सर्कमफेरेंस पता होता है, तो उससे हम r को फाइंड कर सकते हैं। तो r is equal to हो जाएगा 88 upon 2π, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22 अपॉन 7, तो नीचे आ जाएगा आपका 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 44, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 40। फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, और आपको पता है सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 r इंटू r, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 44 into 14 इक्वल टू आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक सर्कल के जैसा खेत है, यानी कि फील्ड है, इसके ऊपर यहां से लेकर के यहां तक अगर हमने बाड़ लगवा दी, घेराबंदी करवा दी, तो रुपए लग जाते हैं हमारे 5280, और जो रुपए का रेट है वो दे रखा है हमारा 24 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर पे 24 रुपीज लगते हैं। यहां से लेकर यहां तक बाड़ लगवाई, टोटल रुपीज लगे 5280। और आपको पता है यहां से एक राउंड का मतलब सर्कमफेरेंस यानी परिधि, तो सर्कमफेरेंस निकलेगा कैसे निकलेगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 5280 को मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 220। 5280 को मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 220। हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 5280 का 24 से 4 to 18, तो आपने देखा 220 आया, यानी कि यहां से लेकर के वापस यहां तक आते हैं तो टोटल एरिया है वो कितना है, 220 मीटर, यानी कि बाहर का एक राउंड में सर्कमफेरेंस आ गया 22 सेंटीमीटर।
सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 2πr। 2πr से फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, r, यानी कि 227 चला जाएगा ऊपर। इसको कैंसिल आउट किया 10, इसको कैंसिल आउट किया 5, तो r की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 35 मीटर। है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि इसमें क्या प्लाउ करवाना, खेत को जोतना है, तो 0.50 रुपए से कितना खर्च आएगा। तो प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आर हमारे पास है। अब हम निकालेंगे सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी, और हमारी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी 1925 रुपीज। आर आगे, आर आने के बाद आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद में आप फॉर्मूला लगाइए और 0.50 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आप मेरे पहले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आज हमारी जो चैप्टर 15.1 है वो फिनिश हो चुका है। 15 पॉइंट इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, वो भी इस प्रकार से ही है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसको, ताकि उसको आप आसानी से कर पाओ। उसका क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल दे रखा है, उसके बाहर एक सर्कल और दे रखा है। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, तो बीच में ये जो फुटपाथ बना हुआ है इसका एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं। तो 15.1 आज हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15.2 की बात करें। थैंक यू।